आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसा इलाज बताने जा रहा हूं जिससे कोई भी अन्य बीमारी में जमीन आसमान का फर्क आएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो इलाज हमारे लिए फ्री में मौजूद था लेकिन हमने इग्नोर किया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मत्स्य पुराण के अध्याय 68 श्लोक नंबर 41 में साफ साफ लिखा है, आरोग्य भास्करात इच्छेत, यानी कि आपके स्वास्थ्य सूरज के हाथों में है, सूर्य पर निर्भर करता है। सन कैन हील एनीथिंग, क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में सितंबर 2008 में छपा था कि विटामिन डी और सूर्य की रोशनी से कैंसर तक को रोका जा सकता है, 30-50% तक कोलेस्ट्रॉल, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। कुछ दिन पहले वे शोध से पता चलता है औरतों में 250% ज्यादा खतरा है कोलोरेक्टल कैंसर का जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है उन लोगों में। लेकिन यदि वो 4 साल तक उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी लेती है तो 60% कैंसर फैलने का खतरा कम हो जाता है। कार्जर जर्नल में 2016 में छपा था कि जिन लोगों ने सूरज की रोशनी उचित मात्रा में ली उनमें बीपी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के होने वाली मौतें भी कम हुई। एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव नामक जर्नल में 1 अप्रैल 2008 को बताया गया था कि WHO के अनुसार सनलाइट की कमी से मस्कुलर स्केल्टन सिस्टम के डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में अक्टूबर 2007 में और जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अगस्त 2006 में बताया गया कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर सनबाथ की ही सलाह देते हैं जिससे रिकेट नाम की बीमारी को ठीक किया जा सकता है जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों में मुख्य है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में फरवरी 2008 में बताया गया कि विटामिन डी का हाई लेवल टीबी के रिस्क को 32% कम कर देता है और भारत और पूरे विश्व में टीबी बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे ही फोटोथेरेपी से टीबी ही नहीं परंतु रिमिटेड आर्थराइटिस, डायबिटीज, गाउट, क्रोनिक अल्सर और घाव भी जल्दी ठीक होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्यों है सूर्य की रोशनी जरूरी, अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक बातें, कुछ विश्लेषण बताता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सन गेजिंग, सन बाथ के बारे में, कैसे सूर्य की रोशनी आपको बीमारियों से दूर करती है, कैसे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। सनलाइट हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल के लिए खाना है, भोजन है और यही सेल्स जुड़कर आपके लिए अंगों का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने सेल को उनका फेवरेबल खाना नहीं दोगे तो ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे और अक्सर पड़ भी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हम इंडोर जनरेशन बनकर रह गए हैं, इसलिए बीमारियां भी नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं और वो भी जनरेशन है जो 80-90% लोग सिर्फ अंदर समय बिताना पसंद करते हैं, उनकी बीमारियां भी उनके अंदर रहती हैं। एक समय था जब 10 लोग मिलकर गली में क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन खेल खेला करते थे और आजकल एक ऐसा समय है एंड्रॉइड फोन, एप्लीकेशन डाउनलोड, बैठे बैठे गेम्स, टीवी, हम उनपे खेल रहे हैं। तो नेचर को गैजेट से रिप्लेस कर दिया गया। हम हर सुबह बंद कमरे में उठते हैं, बंद गाड़ी में बैठ के बंद कमरे वाले ऑफिस में कई घंटों तक काम करते हैं और फिर चारों तरफ से बंद मॉल में शॉपिंग करते हैं, पैकेट बंद खाना खाते हैं। हम लोगों ने खुद को खुद ही बीमार किया हुआ है। सनलाइट एक बायोलॉजिकल नीड है हमारे शरीर की जो हमें नहीं मिल पा रही। सनलाइट की कमी से बच्चों में लर्निंग पावर कम हो रही है और अगर बात करें शारीरिक स्तर पर तो हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो रही हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घुरना, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट जैसी बीमारियां छोटी उम्र में ही देखने को मिल रही हैं जो पहले बुढ़ापे में आया करती थी। सनलाइट की कमी से हमारे ऑर्गन्स जैसे लीवर, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक, ओवरीज, यूट्रस, ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर, डायबिटीज, PCOD, किडनी फेलर, गैस्ट्राइटिस, यूट्रन फाइब्रॉइड, कैंसर भी जल्दी हो रहे हैं और थायराइड सोराइसिस ट्यूमर तो आजकल आम हो गया है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमें इंडोर जनरेशन से आउटडोर जनरेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन फ्री है और बड़ा ही लाभदायक है, आप बीमारियों से बचेंगे। यदि आप आवश्यक मात्रा में सनलाइट लेते हैं तो आपके शरीर से दोष बाहर निकलते हैं। सूर्य की रोशनी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो UVA, UVB, UVC होती हैं, जिसमें UVB विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं और भारत में अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली UVB सनलाइट या तो सुबह उगते सूरज में या फिर 11 से 1 बजे के
बीच मिलती है। जर्मनी में पहले विश्व युद्ध के दौरान सनलाइट का प्रयोग घाव को भरने में किया जाता था, घाव को सूर्य की रोशनी में खुला छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हो क्यों? आप देखते होंगे कपड़ों की स्मेल, उनकी फंगस सब खत्म हो जाती है धूप में डालने से। वैसे ही हमारा शरीर है, इसे धूप मिलते ही सारे बैड बैक्टीरिया, गंदगी, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जब धूप शरीर पर पड़ती है तो वो किरणें स्किन से होती हुई हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंचती है और उसमें सर्कुलेट हो रहे ब्लड के अंदर की गंदगी को निकाल कर बाहर करती है पसीने और पेशाब के रूप में। इसीलिए हम सबको डेली 15 से 20 मिनट की सूरज की रोशनी लेनी बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा गांव में लोग जो दिन भर सूर्य की रोशनी में काम करते हैं उन्हें रात को नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि दोनों हार्मोन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बहुत अच्छे से काम करते हैं और पूरी मात्रा में सिक्रेट होते हैं। लेकिन शहरों में जो लोग बंद कमरे में काम करते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, उनमें ये दोनों हार्मोन सिक्रेट ही नहीं होते हैं, जिससे उनके अंदर दिमागी बीमारियां और कई अन्य बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। सनलाइट से होने वाले फायदों पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, जिनमें से मैं आपको कुछ बताने लगा हूं। क्रॉनिक अल्सर और घाव भी जल्दी ठीक होते हैं। जॉन लोपी द्वारा किया गया क्लिनिकल ट्रायल, जो क्रैगथन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, 2007 जून में छपा था अमेरिका जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, उसमें साफ साफ कहा कि दिन में 3 से 4 बार धूप लो तो कैंसर का खतरा 50 से 75% तक कम हो जाता है। दिसंबर 2006 में पब्लिश हुई एक स्वीडिश एपिडेमियोलॉजी स्टडी में बताया गया कि विटामिन डी की भरपूर मात्रा टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 80% कम कर देती है। और आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के। 3 नवंबर 2001 में पब्लिश हुई फिनिश स्टडी में बताया गया यदि कोई बच्चा प्रतिदिन विटामिन डी का सेवन करे तो 80% कम चांस है जिंदगी भर डायबिटीज होने के। 29 जनवरी 2008 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थॉमस जे वांग ने बताया कि विटामिन डी कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इससे हार्ट या किडनी की ब्लड वेसल्स में होने वाली ब्लॉकेज का खतरा भी कम होता है और सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2007 तक एक्टा मेडिका इंडोनेशियन स्टडी में बताया गया कि सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, थायराइड, आईबीएस, एसएलई जैसी बीमारियों को भी खत्म कर देता है। अब आप सोचोगे मैं इतनी वीडियो क्यों बनाता हूं, इतना डाटा क्यों लेके आता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, वो ज्ञानवान लोग थे, आयुर्वेद ज्ञानवान था। आप लोगों को सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए हम बार बार विद प्रूफ आपके सामने आ रहे हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको भारतीय पद्धति को अपनाने के लिए कहता हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भारत में आप लोग बीमारियों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, और जिस दिन आपको मेरी बात समझ आ गई उस दिन से आप बीमार होना बंद हो जाओगे, आप पूरी तरह रोग मुक्त हो जाओगे, और यही मेरा उद्देश्य है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारत का हजारों करोड़ रुपया बाहर चला जाता है अगर आप कोई भी एलोपैथी दवाइयां यूज करते हो, केमिकल वाली दवाइयां यूज करते हो, ऑपरेशन कराते हो। अगर आप देश की बनी पैथी को यूज करते हो, अपनी संस्कृति पर विश्वास करते हो, तो भारत दोबारा से पुनः विश्व गुरु बन सकता है। तो अगर आपको मेरी ये सूरज, सन, भास्कर के ऊपर बनी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से लोगों को ये वीडियो फैलाएं, ताकि पूरा देश जागृत हो सके और सूरज को वापस नमन कर सके। तो आप सबको भी नमस्कार, धन्यवाद।